वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर से हड़ताल कर दी है और पंजाब के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इस वक्त इलाज मुआलजे की सहूलियात को बंद कर दिया है। YDA ने इंडोर या आउटडोर एक्टिविटीज जो भी हैं, जो भी सर्विसेज हैं उनको बंद कर दिया है और डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से जो मरीज हैं खासतौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या वजह है कि डॉक्टर्स को इतने इंटेंस किस्म के स्टेप्स लेने पड़े, ये जानने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर मुदस्सिर नवाज ने, जो कि चेयरमैन है डॉक्टर्स एसोसिएशन के, और साथ ही हमारे रिपोर्टर हैं नादिर अली, वो हमें इस पर रिपोर्ट करेंगे। नादिर, आपसे स्टार्ट करती हूँ, ये बताइएगा कि हड़ताल कब से जारी है, मुतालिबात क्या हैं और क्यों डॉक्टर्स को ये स्टेप्स लेने पड़े? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कल भी एहतजाज की वजह से लाहौर समेत पंजाब के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं थे वो बंद पड़े हुए थे। आज उसका दूसरा रोज है, कल उनकी एहतजाज शुरू हुई थी और आउटडोर और इंडोर सर्विसेज इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है सरकारी अस्पताल, क्योंकि गरीब लोग जाते हैं इलाज करने के लिए, उनके लिए काफी मुश्किल बढ़ना शुरू हो चुकी है। जबकि यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये हड़ताल जारी रहेगी। आज इसका दूसरा रोज है। अब उनके क्या क्या मुतालबात हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम अस्पतालों में सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि आए रोज डॉक्टर्स पर जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इससे पहले चिल्ड्रन अस्पताल में एक वाकया पेश आया कि डॉक्टर्स और मरीजों के दरमियान जो लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया था, वो वहां पर डॉक्टर्स की धुलाई की गई थी और फिर डॉक्टर्स की जानिब से भी मरीजों की धुलाई हुई थी। बल उसको पेश नजर उन्होंने ये मुतालबा किया कि अस्पतालों की सिक्योरिटी फराहम की जाए, अस्पतालों की इमरजेंसी में 15-20 गार्ड मुतय्यन किए जाएं। ये यंग डॉक्टर्स अपना मुतालबा कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि सूबे में हेल्थ कार्ड का दोबारा से इजरा किया जाए। और सबसे बड़ा जो इनका मुतालबा जो देखने में नजर आ रहा है वो यही है, क्योंकि वो आखिरी 6 महीने से यही मुतालबा कर रहे हैं कि सेक्टरी हेल्थ को तब्दील किया जाए, और जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उस एहतजाज की वजह से और इस हड़ताल की वजह से लाहौर समेत पंजाब के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर मरीज दरबदर हो गए हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो आगे ही मरीजों को सही तरीके से इलाज की जो सहूलियात है वो आसानी से बिल्कुल सहूलियात का फुकदान होता है और उसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। वैसे भी अली, इस वक्त चेयरमैन YDA ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमने अपने रिपोर्टर से रिपोर्ट ली है, हमने जाने की कोशिश की उनसे भी, अब मैं आपके पास तफसीलात के लिए आऊंगी। ये बताएं कि आप लोगों को क्यों ये स्टेप्स लेने पड़े हैं, आप लोगों की क्या ऐसे मुतालबात है जो कि नहीं माने जा रहे गवर्नमेंट की जानिब से? मैडम वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक करेक्शन करता चलूं कि हमारी प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ कल की थी और ये अभी टोकन प्रोटेस्ट थी हकामे बाला को ये बताने के लिए कि अगर आपने होश के नाखून ना लिए, आपने डॉक्टर्स का, नर्सिस का, पैरामेडिक्स का और गरीब मरीजों का ख्याल ना किया तो ये अस्पताल जो पहले ही एक खंडरात में तब्दील होते जा रहे हैं फिर ये वाकईतन नहीं चल सकेंगे। अब देखिए, अगर हमारे मुतालबात हैं तो वो मुतालबात सिर्फ डॉक्टर के नहीं हैं, वो मरीज के भी हैं। हमारे मुतालबात हैं कि आने वाले हर मरीज को अद्वियात दी जाएं, टेस्ट उसके जो है वो फ्री हो जाए, अस्पताल में उसको सहूलियात दी जाएं, उसके साथ साथ डॉक्टर्स को। ये रोज आए दिन आप देख रहे होते हैं, एक चीज जो खबर है वो मीडिया की जीनत बनती है, डॉक्टर की मुबैना गफलत, उसकी वजह से मरीज की जान चलेगी। तो कभी भी ये नहीं कहा जाता कि अद्वियात लाइफ सेविंग ड्रग्स ना होने की वजह से मरीज की जान चलेगी, वक्त पे ऑपरेशन ना होने की वजह से मरीज की जान चली गई, वेंटिलेटर ना होने की वजह से मरीज की जान चली गई, सहूलियत ना होने की वजह से मरीज की जान चली गई। तो असल वाकया ही है कि जो एक गरीब मरीज बेचारा जो दूर दराज से आता है वो मेरा ख्याल है किराया भी किसी से मांग के अस्पताल में जब पहुंचता है इस आस इस उम्मीद के साथ कि उसको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, मुफ्त अद्वियात मिल जाएंगी और उसका चेकअप इलाज हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल, आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है कि सहूलियत का फुकदान होता है और उसकी वजह से आप लोगों को भी उसका सामना करना पड़ता है और इन दी एंड आप लोग सफर करते हैं व्हेन इट कम्स टू योर रेपुटेशन। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि फिर आप लोग ये आप लोगों की स्ट्राइक्स और ये सारा मामला भी हमारे सामने ना वक्तन फवक्तन आता ही रहता है, हर 6 महीने बाद या साल के बाद आप लोग जरूर स्ट्राइक पे जाते हैं, तो फिर क्यों आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते कभी भी? ये तो चला आ रहा है ये सिलसिला मैडम, ये ना एक हर एक ये मेरा ख्याल है ये एक बड़ा पुराना एजेंडा है। आप देख लें हमारे मुतालबात में, आप देखें ना तो आप आज के और 5 साल पहले के भी उठा के देख लें। आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, कभी आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में गई हो तो आपको एक बेड पे एक मरीज नजर आया हो या आपको वहां पे चीजें मिलती हुई नजर आई हो? तो बेड नहीं होता, पहली बात है फिर। जी, और ये सारी चीजें मरीजों को भी बताने की जरूरत है कि डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है,
उसका काम सिर्फ ये है कि मर्ज की तशखीस करना और उसके बाद उसका इलाज लिख देना। अब वो इलाज उस अस्पताल में मौजूद है या नहीं है, या तो वो इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है या हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। और ये जी कभी भी नहीं होता कि हम फौरन जो है वो हड़ताल पे आ जाते हैं, हम पहले मीटिंग्स करते हैं, प्रेस रिलीजेस करते हैं, मीडिया टॉक्स करते लेकिन हैं, जब आप आप लोग लोगों ये के फोन मीटिंग्स इनकम करते हैं करते तो क्या उसमें ये डिस्कस नहीं करते हैं आप लोग कि इसकी वजह से आवाम जो ऑलरेडी बेचारे गरीब है, जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो मजबूरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं और फिर उनको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है आप लोगों की स्ट्राइक्स की वजह से भी, तो क्या आप लोग कभी ये डिस्कस नहीं करते कि इसका कोई अल्टरनेट वे हो सकता है? मैडम? ऑल्टर आप देखिए, आप जब कह रही हैं कि आप हर 6 माह बाद आती हैं, वो जो इस दरमियान 6 माह का दुरानिया होता है उसमें यही होता है, कभी हम मिनिस्टर का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, कभी हम सेक्रेटरी का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, कभी हम जो है वो हकामे बाला को झंझोर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि जो एंड यूजर है, जिसके साथ मरीज का वास्ता पड़ता है, वो डॉक्टर है। तो वो जितनी भी खामियां अस्पताल की, जितनी भी खामियां निजाम की, वो अपना गुस्सा अपना गुबार फिर वो उस एंड यूजर उस डॉक्टर पे गुजारता है जो पहले ही ओवर बर्डन है, और जिसकी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी थी एक फ्रस्ट्रेशन बेड अवाम पे पे एक निकाल मरीज देते हैं, देखना। ये सिचुएशन बड़ी खराब है। मैं आपके पॉइंट्स पे अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन अवाम भी इंडियन काफी सफर करती है। आई नो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की बनती है कि फैसिलिटेट किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं डॉक्टर साहब अली, आपका भी बहुत शुक्रिया रिपोर्ट। यहाँ पे नाजीन जो क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस खासतौर पे पंजाब के, अब देख लें कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से ये हड़ताल करना, ये हमारी स्टेट के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, उनके लिए सोचने का। और जैसे डॉक्टर साहब ने खुद ही कहा है कि हमारा ये स्ट्राइक करने का मकसद ही होता है कि इनको झंझोड़ा जाए, तो झंझोड़ने का फायदा भी होता है या नहीं, ये एक सवाल है। एक ब्रेक शामिल करते हैं।